मिस्टर नवीद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ जानते हैं? आपको कुछ पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स है क्या? बिल्कुल, देखिए ह्यूमन राइट्स जो काम करते हैं ना, वो इंसानों की भलाई के लिए और इंसानों के जो राइट्स होते हैं उसके लिए काम कर रही होती हैं, जो बहुत से हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत से राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हमारे ऐसे जो हमें पता ही नहीं है, और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो वायलेंट हैं। ठीक है, अच्छा, और आपका क्या ख्याल है कि इसके अवेयरनेस सेशन होना ज़रूरी है क्या? बेसिकली पता होने चाहिए बच्चों को राइट्स वगैरह, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यार, जिस एज में हम लोग हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी हम हैं और जो पढ़ रहे हैं, तो लाजमी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बीइंग ऐसा डेवलपर के निकल के सोसाइटी में काम करना और सोसाइटी में काम करना, तो आपको सारे रूल्स, राइट्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। तो इट्स अ गुड सेमिनार कि हम विश की इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जिससे हमारी नॉलेज और ज़्यादा है बढ़े। कुछ आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ है आइडिया कि होते कैसे हैं? जैसे राइट टू लाइफ होता है, या बिल्कुल राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू रिलीजियस वो है, तो सारी हमारी क्या है राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटीज़ राइट है, मेजॉरिटीज़ राइट हैं, ये भी हमारे इसके पार्ट हैं, ये होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।